ऐसे लाके दोगे जिससे मैं तेज भाग सकती हूँ, पर आप तो वो लाए नहीं। ये गल भी ठीक है, पापा से एक और गलती हो गई है, एक और चीज है जो पापा नहीं कर पाए। क्या? मम्मी के चेहरे पर स्माइल नहीं ला पाए। तुम दोनों में से जो भी मम्मी के चेहरे पर स्माइल लाएगा उसके लिए डॉल गिफ्ट। यस। सिमरन गुंजन मत कर, ये तो बाजवाओं के खेत है, आपने कटे इधर से क्यों निकाली? वो सुनिए, खेत पे गए तो अड्डा थोड़ी है कि तू डर रही है। आप गड्डी घुमाओ, कहीं और से निकलते हैं। चलो। ओ ठंड रख दीपा, इंसान ही बस दिन ही थे, वैसे भी लेट हो रहे थे अब्बा। मैंने सोचा यहाँ से ले लेंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे मेले में। साकी है आज, लड़ने का मूड नहीं हुआ किसी का। मैं तो अनु कह रही हूँ, तो तुसी गड्डी कहीं और से नहीं घुमा सकते? घुमा लो ना। फिर तो पहुँच गए अब्बा। मनु के पापा, मनु के पापा, मैं हूं। पापा नहीं, पापा नहीं। छोटू मास्टर, चोट तो नहीं लग गई? नहीं। पक्का? अरे ताली, अश्वासी। साकी मुबारक हो भाई। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? गाड़ी का टायर फंस गया, आओ चलो धक्का लगाओ। ओए, गाड़ी देख के नहीं चला सकते, बच्चे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ छोटे मास्टर, बिल्कुल ठीक है। मैं पहले ही ब्रेक लगा ली थी, तुम लोग भी जरा बच्चों का ध्यान रखा करो, ठीक है? तो हमारे खेतों में घुस कर हमें ज्ञान बांट रहे हो चरण पवनिया? गलत रास्ते आ गए हो चरण भवनिया, और आ ही गए थे तो इस रास्ते फंसना नहीं चाहिए था तुम्हें। बात को आगे मत बढ़ा, वैसे भी हम लोगों ने डिसाइड किया था एक साथ बैसाखी मनाएंगे। मैं तो कह रहा हूं ना ले चल। अच्छा, ओए बात तो बढ़ गई है वीरे, चुनाते तोर जनानी वर्गियो, उसके साथ लड़ने में मजा ही नहीं आता यार। मजा आता है तो तेरे भाई के साथ लड़ने में। सर जमीन पे रुकनू तब मजा आता है। और तू तो अपनी लुगाई से लड़का तक पैदा नहीं करवा पाया, और तेरे साथ मर्दों वाली क्या बात की जाए। मर्दानगी सिर्फ लड़ाई करने में होती है क्या? जो आदमी जंग रोक कर दोस्ती की बात करने की हिम्मत रखता है वही असली मर्द होता है। तेरी जनानी में बड़ा रश्क हैगा तेरी मर्दानगी पर। ऐसा क्या करता है इसके साथ? मास्टर! शाजी! पापा! शाजी! पकड़ो सारे।
भाई, मार दूंगा दोनों बच्ची को। शाहजी, मेरे बच्चे हैं, नहीं छोड़ दो। एक बार अपने कुत्तियां नु बोल दे मेरे छोड़ दे, फिर देखते हैं कौन कितना बड़ा मर्द है और किस में कितनी हिम्मत है। बोल शाहजी, 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 क्या तुम्हें इस गाड़ी से चोट पहुंची थी बेटा? नहीं लाला जी, बच्चा है, डरा हुआ है बेचारा, क्या धसेगा आपको। बच्चे सिर्फ सच बोलते हैं, सिर्फ सच, झूठ तुम लोग उसे बना देते हो। सच्चाई ये नहीं है कि हमारे खेतों में दुश्मन फंस गया है, सच्चाई ये है कि एक मजबूर आदमी है, उसकी गाड़ी का पहिया खड्डे में फंस गया है, वो परिवार के साथ है और तुम लोग सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ए, छोड़ो नहीं। ठीक हो ना? अच्छा फंसा था चरण, कितना खून बह चुका है दोनों के बीच, लेकिन आप अब भी अमन की बातें कर रहे हैं। देखिए वहां पर, देखिए और यहाँ ये देखिए। अगर पवनियों के सर पे छत हो सकती है तो मेरे बीवी बच्चे क्यों धूप में बैठे? पिछले साल बैसाखी का अरेंजमेंट तो नहीं किया था ना? पवनियों को पानी तक नहीं मिला था, ये तो चलता रहे। एक थप्पड़ तुम मारोगे, एक थप्पड़ वो मारेगा, तुम लोगों के बूथे लाल होते रहेंगे बंदरों की तरह। मैं और चरण मिलकर इस पिंड में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? और रही बात उसके तीसरे औलाद की, तो मैं तो बाबा से दुआ करूंगा कि उसे मुंडा ही दे ताकि वो शाह बना रहे और इस पिंड में अमन आने की उम्मीद बनी रहे। तो तेरे और जगन के भरोसे अगर सब कुछ छोड़ दिया ना तो कुछ नहीं बचना, कुछ नहीं। ओए, ओ देखो, लगता है बाजवा में भूतता नहीं है, बादशाहों के बादशाह अरिजीत बाजवा बिना खेले पिट दिखा के आगरा है। साले, अभी दिखाता हूं तेरे को। जश्न का माहौल है, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। छाव में बैठेंगे तो हमें भी अच्छा। वट दिखाने आया है, अगर इतना ही था तो वहां दिखा था जब मेरे खेतों में फंसा था। चुप कर मूर्ख। आइए ना लाला जी, परजाय जी, पुत्र ले चल सकते। बारी बेबे मुझे शाह बना दे, फिर दिखाता हूँ शाह की तौर क्या होती है। हो ही जाना है जी, पर जाए ने तो फिर से बुढ़ी ने जन्म देना है, फिर तो आप ही ने शाह बनना है। अगर बाजवाओं ने जगन पाजी को दबोच लिया तो पवनियों के लिए बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है। चरने, साले ने खेतों में आग लगा दी है।